ओडिशा में एक फेस्टिवल है रजा। ये रजा में एक पिठा बनाया जाता है, उसका नाम है पोड़ो पिठा। आज हम उस पोड़ो पिठा को बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुभस्मिता और आप सबको सुभस्मिता किचन में स्वागत है। यहाँ मैंने हम जो रेगुलर चावल खाते हैं उसी चावल को अच्छे से साफ करके रात भर भिगो के रखी थी। यहाँ मैंने एक कटोरी नारियल लिया है और उसे मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसे एक मिक्सर जार में डाल के इसे ग्रेट कर लेती हूँ। हाथों से ग्रेट करने से मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ग्रेट करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप नारियल को हाथों से भी ग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 5 से 7 इलायची को भी डाल देती हूँ। इलायची डालने से इसका स्मेल और बढ़ जाती है। अगर आप काली मिर्च साबुत डालना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पर डाल के इसे नारियल के साथ पीस लीजिए। अब नारियल और इलायची हमारा पीस गया है। अब मैं उसी जार में ही चावल को डाल के उसे भी पीस लूँगी। तो मैं यहाँ जार में चावल को पानी से निकाल के डाल देती हूँ। पीसने के समय पानी हमें कम से कम डालने की कोशिश करना है, नहीं तो बैटर ज़्यादा पतली हो जाएगी और अच्छे से बन नहीं पाएगी। अब हमारा बैटर बन के तैयार है, मैं इसे एक बर्तन में डाल देती हूँ। अब मैं उसी सेम जार में गुड़ को भी पीस लेती हूँ। अगर आपके पास लिक्विड वाला गुड़ है तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब हम बैटर में डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट, गुड़, स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, इन सारी चीज़ों का डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे कवर करके आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि हम खाने में जो सोडा यूज़ करते हैं उसी सोडा को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। इससे अगर पतली हो जाती है तो आप इसमें राइस फ्लोर को डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहते हैं तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, पर तेल का स्वाद से घी का स्वाद अच्छा आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसमें घी ही डाल दीजिएगा। अब हम घी को भी बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, आपका जो मर्जी आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप कुकर में बनाना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी कैसे आप कुकर में बनाएंगे, तो आप उसे फॉलो कीजिए और बनाइए। तो कढ़ाई को मैं यहाँ घी डाल के अच्छे से फैला लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। बटर पेपर डालने से ये कढ़ाई से अच्छे से और आसानी से निकल जाती है। अब हम बैटर को कढ़ाई में डाल देंगे और इसके ऊपर नारियल डाल के इसे डेकोरेट कर लेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से काजू, टूटी फ्रूटी, चेरी या कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने नारियल से इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब हम इसे गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। अब मैं इसके ऊपर और थोड़ा घी डाल देती हूँ। हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक करेंगे और लो हीट में 15 मिनट तक कुक करेंगे। पूरे 25 मिनट के बाद एक बार इसे चेक कर लीजिएगा एक नाइफ को अंदर डाल के। अगर नाइफ क्लीन निकला है तो उसी टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो और 5 या 10 मिनट तक फिर से कुक कीजिएगा लो फ्लेम में। अब मैं इस कढ़ाई का ढक्कन देकर इसे कुक कर लेती हूँ। अगर आपके कढ़ाई के ढक्कन में भी ऐसे होल है तो आप इसे बंद कर दीजिए। मैं यहाँ एक आटा का डो लेके इसे बंद कर लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो पूरे 25 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटा दिया है। अब मैं इसे चेक करूँगी एक नाइफ को डाल के। तो मैं एक जगह पर एक नाइफ को डाल रही हूँ।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गीला गीला निकला है, मतलब थोड़ा कच्चा है अभी भी। मैं फिर से और एक जगह पर नाइफ डालती हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा क्लीन निकला है। इसका मतलब हमारा अच्छा से हो गया है, पर थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी भी, पर हाथों में भी कुछ भी नहीं लग रहा है। तो मैं इसे ढक्कन देकर फिर से 5-10 मिनट तक रख देती हूँ, पर कुक नहीं करूँगी। तो 5 या 10 मिनट के बाद हमारा ये पोड़ो पिठा बनकर तैयार है। तो नाइफ की मदद से मैं कढ़ाई से इसे पूरा से अलग कर रही हूँ, तो ये अलग हो जा रहा है, पर हम इसे प्लेट में नहीं निकालेंगे अभी। इसे पूरा ठंडा होने के बाद ही हम इसे प्लेट में निकालेंगे। गरम गरम निकालने से इसका टूटने का चांसेस होता है, इसलिए हमें इसे ठंडा होने के बाद ही निकालना है। अब हमारा पोड़ा पिठा ठंडा हो गया है। अब मैं इस कढ़ाई के ऊपर एक प्लेट को रख देती हूँ और इसे पलट देती हूँ। ये हमारा पोड़ा पिठा का नीचे का साइड है। मैं इसे फिर से पलट के इसका ऊपर का साइड आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस बटर पेपर को हमें धीरे धीरे करके निकालना है, और मैं पहले आपको इसका ऊपर का पार्ट दिखा देती हूँ। ये है हमारा पोड़ो पिठा का ऊपर का सेट। मैं नीचे में जो बटर पेपर लगा था उसे मैं निकाल दिया है। अब मैं इसे काट लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ ये कैसा बना है। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपका एक बेल का आइकन दिखेगा, उसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।